गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। आज का तो दिन भर घर पर रहते हो। खूब पढ़ो, खेलो, एंजॉय करो, ठीक है? तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री का लेसन 2, सिंपैथी। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द माउंटेन एंड द स्क्विरल, ठीक है? ये वाली पोएट्री पढ़ी थी ना, ये पोयम पढ़ी थी ना पोएट्री सेक्शन से। आज हम पढ़ेंगे दूसरी पोयम, सिंपैथी, ठीक है? सिंपैथी, सहानुभूति, करुणा, दया, ठीक है? इसे कंपोज किया है चार्ल्स मैके ने। सिंपैथी, ठीक है? तो सिंपैथी, सहानुभूति, ठीक है? पोइट है चार्ल्स मैके। आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ, अ प्राउड मैन हियर, हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। तो यहां क्या कहते हैं कि आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड। कवि कहता है कि मैं एक बार, ले मीन्स लेटा हुआ, सोरो मीन्स दुख में, परेशानी में, कष्ट में, ठीक है ना? डीप डिस्ट्रेस्ड, गहरे शोक में, डीप मीन्स गहरा, गहरे शोक में लेटा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म है, हियर मीन्स सुना, प्राउड मीन्स घमंडी। तो मेरा ग्रीफ मीन्स दुख, मेरा दुख जो है एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड। तो क्या होता है, जनरली जब हम किसी को अपना दुख बताते हैं या कोई तकलीफ बताते हैं तो जो सुन रहा होता है ना, उसके चेहरे पर भी दुख के भाव आ जाते हैं ना। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने जब बताया उसको तो एक घमंडी व्यक्ति ने सुना, लेकिन हिज लुक्स वर कोल्ड, लेकिन उसकी दृष्टि, उसकी आंखें जो हैं बिल्कुल उदासीन रही, जैसे उन्हें मेरे दुख से कोई तकलीफ नहीं हुई, ठीक है ना? प्राउड मैन को मेरे दुख से कोई तकलीफ नहीं, मतलब कोई लेना देना नहीं था, उसकी दृष्टि एकदम उदासीन रही। ही गेव मी गोल्ड, लेकिन गोल्ड मीन्स धन, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर गोल्ड आया है धन के लिए, उसने मुझे धन दे दिया कि लो भाई तुम दुखी हो, लो पैसा लो, इससे जो है अपना काम चला लेना, ठीक है? बट नॉट अ काइंडली वर्ड, मतलब धन तो दे दिया मुझे, लेकिन एक सिंगल वर्ड भी, मतलब एक सहानुभूति का एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं हम। अभी हमने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा था, अब सेकेंड देखिए। माय सोरो पास्ड, आई पेड हिम बैक। क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई दुखी होता है या कोई बीमार होता है तो क्या वो हमेशा रहता है? नहीं ना, ये तो परेशानियां, दुख हैं, आती जाती रहती हैं, ठीक है ना? तो माय सोरो पास्ड, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी। अब कवि क्या कहता है कि मेरा दुख गुजर गया, बीत गया, भाई वो घड़ी थी, वो लम्हे जो परेशानी वाले थे, कष्ट के जो दिन थे, वो गुजर गए, ठीक है ना? आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, जो उसने मुझे धन दिया था, मैंने उसका धन जो है उसका वापिस कर दिया, चुका दिया, वापस कर दिया। Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. Charity कहते हैं दान को, जो उसने मुझे दान दिया था। Erect means सीधा, straight, stand means खड़ा होना, और stood उसकी second form है। मैं सीधा जो है तन के खड़ा हुआ। क्या होता है जब हम किसी से कर्ज लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो थोड़ा सा मन में एक अलग तरह का भाव होता है ना? लेकिन जब हम अपना कर्ज चुकाने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा एकदम तन के जो है वो भी खड़ा हुआ, क्योंकि कर्ज चुकाने जाते, खुशी होती है ना, है ना? एंड स्पोक माय थैंक्स, और उसको धन्यवाद जो है बोला, और उसके दान के लिए उसको क्या दिया, जो उसने चैरिटी मीन्स दान, जो उसने मुझे मेरी सहायता की थी, मतलब एक तरह से जो सहायता की थी, जो उसने मुझे दान दिया था, उसके लिए उसने उसको धन्यवाद दिया। थर्ड स्टेंजा देखेंगे। I lay in want, grief and pain, a poor man passed my way, he bound my head, he gave me bread, he washed me night and day।
कहा था ना, भी मैंने बताया था परेशानी है आती रहती है। आज मैं स्वस्थ हूँ, दो चार दिन बाद कुछ दिन बाद बीमार हो जाते हैं, फिर भाई शरीर ही तो है, फिर स्वस्थ हो जाते हैं। ये थोड़ा ना कि अगर बीमार हो गए तो बीमार ही रहेंगे, आज कष्ट है तो हमेशा ही कष्ट रहेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो आई ले इन बॉन्ड ग्रीफ एंड पेन, भाई फिर वो कभी जो है एक बार फिर, बॉन्ड मीन्स अभाव, किसी कमी में एक बार फिर जो है वो अभाव में, ग्रीफ दुख में, कष्ट में, पेन मीन्स दर्द में, ठीक है ना, फिर एक बार लेटा हुआ था, फिर घेर लिया इन सब परेशानियों ने। मतलब कभी को कहने का तात्पर्य ये है, अब पुअर मैन पास्ट में आएगी तो इस बार क्या हुआ, इस बार एक निर्धन व्यक्ति उसके रास्ते से होकर गुजरा। मतलब पिछली बार जब वो बीमार हुआ था तब एक अमीर आदमी ने उसके दर्द को, कष्ट को सुना था, उसने उसको बताया था। इस बार किसको सुनाया, किसको बताया उसने अपनी परेशानी, अपना दर्द, अपना दुख, अपना कष्ट, एक पुअर मैन को। तो ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड। तो जब उसने, पुअर व्यक्ति ने उसकी परेशानी सुनी, निर्धन व्यक्ति ने जब उसका दुख सुना, तो उसने क्या किया, उसके सिर को दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे ब्रेड दी, उसने मेरा सिर दबाया, उसने मुझे खाने के लिए रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, वॉच माने देखभाल करना, और उसने मेरी दिन रात देखभाल की, मतलब दिन रात सेवा की। ठीक है, अब देखिए हम लोग लास्ट स्टेंजा इसका पढ़ेंगे। How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. देखिए कवि कहता है कि How shall I pay him back again? भाई वो जो है घमंडी व्यक्ति ने उसको धन दिया था, तो जब वो ठीक हो गया कवि, तो उसने उसका धन वापस कर दिया। लेकिन अब यहाँ कवि कह रहा है कि जो इसने मेरे लिए किया है, जो इस पुअर मैन ने मेरे लिए किया है, मेरी दिन रात सेवा की, मेरे सिर को दबाया, मेरी देखभाल की, मुझे खाने को रोटी दी, तो इसके कर्ज को मैं कैसे उतारूंगा, इसका कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा, जो कुछ भी इसने मेरे लिए किया है मैं उसको कैसे पे करूंगा। ठीक है ना, ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। अब कहता है गोल्ड इज ग्रेट, पैसा महान है, मतलब पैसा बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं है। इस लेसन को, इस पोयम को पढ़ने का हमें जो कवि ने ये कविता लिखी, इसको हमें समझाने का, बच्चों के सिलेबस में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये पर्पस है कि ऐसा नहीं है कि पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी पैसा सब कुछ नहीं है। कवि को ये बताना चाह रहा था, ठीक है ना, कि इस हेवनली सिंपैथी, जो हेवन कहते हैं स्वर्ग, मतलब जो ईश्वरीय दया, करुणा, सहानुभूति, जो ईश्वरीय, जो ईश्वर के प्रदत्त जो ये गुण हैं, जो ये क्वालिटीज हैं, जो हर मनुष्य के अंदर हैं, दया, प्रेम, क्षमा, ठीक है ना, ये जो गुण हैं, ये पैसे से भी ज्यादा महान है। ठीक है ना, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं होता है। पैसे से भी ऊपर जो ईश्वरीय गुण है, जो प्रकृति प्रदत्त जो हमारे गुण हैं, जो हम सारे मनुष्यों के अंदर हैं, ठीक है ना, जो सिंपैथी होती है, जो सहानुभूति होती है, वो धन से भी ज्यादा महान है। ग्रेटर, ग्रेट मीन्स महान, और ग्रेटर मीन्स और ज्यादा महान, ग्रेटेस्ट होता है सबसे ज्यादा महान। ठीक है, तो गोल्ड इज ग्रेट, पैसा महान है, लेकिन पैसे से भी ज्यादा महान क्या है, हेवनली सिंपैथी। ठीक है, तो ये जो हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो ये सारे गुण हैं, इनको हम लोगों को इन गुणों का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, जहां इनकी आवश्यकता है वहां इन गुणों का हमको प्रदर्शन करना चाहिए, दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर ये गुण हैं और हम इनको अंदर ही रखे रहे, ठीक है, तो क्या फायदा उसका, ऐसे गुणों का फिर क्या फायदा जो किसी के काम ना आ सके। ठीक है, तो इस तरह से ये पोयम कंप्लीट होती है सिंपैथी। अब नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।